स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रॉकस्टार एजुकेशन में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पोर्टल में ये यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार का अपडेट किया गया है, लेकिन हमने जो आप सभी को कल बताया था कि इंस्टीट्यूट की तरफ से भी एक अपडेट है, जिसको कि अगर इंस्टीट्यूट वाले नहीं करते, अगर आप लोग जो है उसको इन्फॉर्म भी नहीं करते हैं, तो आप जो रेनवाल अगर फॉर्म फिलअप करेंगे 23 से 24 के लिए, तो आपको वहाँ पर कोर्स का डिटेल्स शो नहीं करेगा, आप जो है वहाँ पर आगे का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। ये क्या प्रॉब्लम है और इस अपडेट को जो है जारी किया गया है, अगर वैसे कॉलेज अगर इसको नहीं करते हैं तो 2 दिन के अंदर उन सभी कॉलेज का जो है यहाँ पर अकाउंट को डिसमैच यानी कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और उस कॉलेज के कोई भी स्टूडेंट रेनवल फॉर्म 17/2023 से 24 के लिए नहीं कर पाएगा। जैसा कि हमने आप सभी को कल बताया था, इसका एक नोटिफिकेशन भी है, हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, इंस्टीट्यूशन हु हैव नॉट रजिस्टर्ड एनी कोर्स एट शैल बी डिफेक्टेड इन नेक्स्ट 2 डे की एट द एप्लीकेशन कोर्स इमीडिएटली। अभी जो है जब आप आवेदन करने जाएंगे, रेनवल फॉर्म फिलअप करने जाएंगे, तो आपकी स्क्रीन में जो है सीधे इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर जैसा कि हम स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं, सभी को आ रहा है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ऐसा प्रॉब्लम शो नहीं करता है, सबको यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है। जैसे आप 23 से 24 के लिए रेनवल यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो यहाँ पर आप जैसे रेनवल को सिलेक्ट करके सेशन 2023 से 24 को सिलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा नो एनी कोर्स रजिस्टर्ड इन दी कॉलेज इन दी एकेडमिक ईयर, यानी कि 23 से 24 के लिए कोई भी कोर्स को यहाँ पर जो है आपके कॉलेज के द्वारा यहाँ पर रजिस्टर नहीं किया गया है। यहाँ पर जो है इस प्रकार से बताया गया है, यहाँ पर बताया गया इफ़ यू आर अनेबल टू फाइंड योर कॉलेज इंस्टीट्यूशन इन द लिस्ट, प्लीज कॉन्टेक्ट योर कॉलेज इंस्टीट्यूट एडमिशन टू, यहाँ पर रजिस्टर बताया गया थिम्स लेवेस ऑन दी पीएमएस पोर्टल की 2022 से 23 पोर्टल एंड अपडेट दी सेम, देन ओनली यू कैन बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। कहने का अर्थ ये है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो जो है पहले 2022 से 23 के लिए यहाँ पर जो भी कोर्स है आप उसको जो है अपडेट कर दिया गया है, उसी सेम जो है जो कोर्स को अपडेट किया गया रजिस्टर करने के दौरान, वही कोर्स को फिर से जो है 23 से 24 के लिए इसके लिए बोलिए रजिस्टर कर लेंगे, यानी कि अपडेट कर देंगे, तो ही आप जो है सभी स्टूडेंट 2023 से 24 के लिए आगे का यहाँ पर जो फॉर्म को भर पाएंगे यानी कि रेनवॉल कर पाएंगे। इसके लिए बताया गया है प्लीज कॉन्टैक्ट योर कॉलेज इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन टू रजिस्टर, यानी कि आपके जो कॉलेज के एडमिशन लिए होंगे जो, या फिर जो नोडल ऑफिसर है उससे आप जो है जाकर के बोलेंगे, तो वो जो है इसको अपडेट कर देगा 23 से 24 के लिए। फिर जो है आप आसानी से यहाँ पर सभी स्टूडेंट इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। ये जो है सभी स्टूडेंट के सामने इस प्रकार का आएगा, तो आप सभी जो अपने कॉलेज में जाके बोलें कि जितने भी कोर्स का पढ़ाई होता है कॉलेज में, वे सभी कोर्स को जो है जो पीएमएस पोर्टल है कॉलेज का आईडी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके सबको अपडेट कर देगा। फिर आप जब रेनवॉल करने जाएंगे तो आपको इस प्रकार का मैसेज नहीं आएगा, आपका कोर्स शो हो जाएगा। तो बहुत स्टूडेंट इसको लेकर के परेशान थे, आई होप कि मैंने वीडियो में जो जानकारी दी है आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा और आपको जो है इसका लाभ मिला होगा। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, फिर भी कोई भी क्वेश्चन या सवाल है तो टेलीग्राम में आकर के कॉमेंट्स कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।